बाल दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में गुजराती विषय में चैप्टर वन जो हमने सीखा था उसके हम एक्सरसाइज आज लिखेंगे। तो आप सब भी अपनी गुजराती की टेक्स्ट बुक जो है वो निकाल के बैठ जाओ। पेज नंबर 3, उसमें फर्स्ट थी पोयम जिसका नाम था भाई। हमने रीडेन से और ग्लोसरी सीख ली है। अभी यहाँ पे हम एक्सरसाइज है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है अ, प्रश्नोना एक वाक्य में उत्तर लिखो, यानी कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसका हमें छोटे सबसे इन शॉर्ट में आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, भाई ने शू खावा जोइए छे। तो आपको याद होगा कि जो ब्रदर है उसको क्या खाना पसंद है, उसको गुजराती डिश शीरो जो स्वीट डिश है वो पसंद है। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखा है वहाँ पे हम उसका आंसर लिखेंगे। और बाल मित्रों, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप गुजराती जब भी लिखे तो आपको ये जो भी आंसर लिखो वो ऊपर की लाइन को टच करके लिखना है। नीचे की लाइन को टच करेंगे तो ये आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो आपको ऊपर की लाइन को टच करके ही हमेशा लिखना है। अभी हम आंसर लिखते हैं। भाई ने शू खावा जोइए छे, तो उसका आंसर होगा भाई ने शीरो खावा जोइए छे। भाई ने, एक बार फिर से रीड करती हूँ, भाई ने शू खावा जोइए छे, तो उसका आंसर होगा भाई ने शीरो खावा जोइए छे। अभी नेक्स्ट, इसके बाद हम फोर्थ पेज पे आते हैं। पेज नंबर 4, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, भाई क्या सुई जाए छे। भाई क्या सुई जाए छे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे भाई घोड़िया मा सुई जाए छे। एक बार फिर से, भाई क्या सुई जाए छे, तो आंसर होगा उसका भाई घोड़िया मा सुई जाए छे। लिख लिया, आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये लिखते रहना है। नंबर 3, भाई केवा रंगनी गोदड़ी ओढ़े छे, तो वो ग्रीन कलर की थी, तो उसका हम आंसर लिखेंगे। ग्रीन को गुजराती में कहते हैं लीला। आंसर लिखिए भाई लीला रंगनी गोदड़ी ओढ़े छे। भाई लीला रंगनी गोदड़ी ओढ़े छे। लिख लिया। अभी लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन, वो है गोदड़ी खसी जता कौन हंस्यू। तो तुमने आप सबको पता ही होगा, तो वो हंसने लगता है जो कि है भाई। तो आंसर लिखना है गोदड़ी खसी जता भाई हंसे छे। कौन हंसने लगता है, भाई। एक बार फिर से, गोदड़ी खसी जता भाई हंसे छे। नेक्स्ट, वहाँ पे हमें क्या इंस्ट्रक्शन दी है, आ सरखा उच्चार वाला बे बे शब्दों लखो। जो भी हम प्रोनाउंस करें तो एक ही जैसे जो वर्ड है सेम वर्ड वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो हमें यहाँ पे दिया है फर्स्ट भाई, तो लास्ट में ई आना चाहिए, ऐसे दो वर्ड लिखने हैं। तो एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है खाए, उसके बाद हमें लिखना है सुई। नेक्स्ट वीरो, तो उसका आंसर होगा शीरो और लीरो। ये दोनों में पीछे रो आता है, यानी कि हम जब उसको प्रोनाउंस करें तो वो एक ही जैसे स्पीच निकलती हो। नंबर 3, ओढ़े, तो लिखना है यहाँ पे पोढ़े मोढ़े। लिख लिया। अभी लास्ट 4th नंबर, हंसी खसी वसी।
खसी और वसी हमें आंसर में लिखना है। ई तो उसका हमें यहाँ पे क्या लिखा है, कौंस माथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, उसको आपको देख के जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। फर्स्ट है मम्मीना भाई ते ब्लैंक, तो आपकी जो मम्मी है तो मम्मी के जो भाई हो उसको आप क्या कहते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं मामा और मासा, तो राइट आंसर होगा मामा। मम्मी के जो भाई है उसको हम मामा बुलाते हैं, मासा बुलाते नहीं है। सेकंड है पप्पा ना भाई ते ब्लैंक, तो पापा के जो भाई है उसको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं फुआ और काका, तो पापा के जो भाई है उसको हम क्या बुलाते हैं, फुआ बुलाते नहीं है। सेकंड ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है काका। नेक्स्ट है थर्ड नंबर की ब्लैंक मम्मीनी बहन ते ब्लैंक, तो यहाँ पे ब्लैंक में हमें लिखना है राइट आंसर, तो वो होगा मासी। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है फोय और मासी, तो हम मम्मी की बहन को फोय बुलाते नहीं है, फोय तो हम पापा की बहन को बुलाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा मासी। अभी नेक्स्ट फोर्थ नंबर पप्पानी बहन ते ब्लैंक, तो अभी राइट ऊपर वाला आंसर आया, देखो पप्पानी बहन ते फोय, तो यहाँ पे ऑप्शन में है फोय और मासी, तो राइट आंसर है फोय, तो यहाँ पे ब्लैंक में फोय लिखना है। नंबर फाइव पप्पा ना पप्पा ते ब्लैंक, तो ऑप्शन में है नाना और दादा, तो नाना हम किसको बुलाते हैं, मम्मी के जो पापा है उसको हम नाना बुलाते हैं और पापा के जो पापा है उसको हम दादा बुलाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है पप्पा ना पप्पा ते ब्लैंक, तो आंसर आएगा दादा। तो आप सबने भी ये एक्सरसाइज लिख ली है, अभी ये लिख लो, बाद में उसको लर्न भी करते रहना।